सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल पर आ चुके हैं। टुडे वी आर प्लेइंग अगेन मैक अरीना। गाइस आपको याद होगा मैंने अपने गियर अप से जितने भी वेपन्स क्रेडिट्स के थे ना उन सभी को अनलॉक कर लिया है, बस दो वेपन और बचे हैं एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं उन दोनों को भी अनलॉक कर लूंगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखते रहना। सो गाइस जिन वेपन्स को मैं आज अनलॉक करने वाला हूँ वो दोनों ही एपिक वेपन्स हैं एंड मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि पहले की कौन से वेपन्स मैं अनलॉक करूँगा। तो सबसे पहला वेपन गाइस जो हम अनलॉक करेंगे वो होगा अपना वॉल्टिक आरपीजी 14, ये देखो ये रहा। एंड नेक्स्ट जो हम वेपन अनलॉक करेंगे ना उस पर मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, बट वो वेपन कैसा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बट दिखा देता हूँ, रुक जाओ नीचे ही होगा। ये रहा देखो, नेड लॉन्चर 10, ऐसा ही नाम है इसका, नेड लॉन्चर 10 और वॉल्टिक आरपीजी 14, ये दोनों वेपन्स आज हमको अनलॉक करने हैं। शुरुआत बात करते हैं हम वॉल्टिक आरपीजी 14 से एंड बात करें इसके स्टैट्स की। सो जैसा इसका नाम है इसका एनर्जी कैपेसिटी 14 है और इक्विप लिमिट 1 है। डैमेज पर मैगजीन देख सकते हो 40,000 मिल जाता है हमको और इसका प्राइस गाइस ऑलमोस्ट 3,00,000 क्रेडिट्स है। तो चलो इसे बाय कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय पे टैप करता हूँ और ये लोग गेट पे दबा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा वॉल्टिक आरपीजी 14 अनलॉक हो चुका है, लेकिन यार ये प्लेरियम वालों ने गेम में से एनिमेशन रिमूव कर दिया है। यार मतलब फील ही नहीं आया कि मेरा कोई वेपन अनलॉक हुआ है, पुराने वाला एनिमेशन को रिमूव नहीं करना चाहिए था। वेल हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये गेम वालों के ऊपर रहता है। हमारा वॉल्टिक आरपीजी 14 निकल गया, अब जल्दी से चल के नेड लॉन्चर 10 भी अनलॉक करते हैं। और इसकी एनर्जी कैपेसिटी 10 है, एक्यूब लिमिट 1 है, इसका डैमेज भी ऑलमोस्ट 40,000 है आप देख सकते हो और इसका प्राइस ये ऑलमोस्ट 2,70,000 क्रेडिट्स का है। एंड बाकी स्टैट्स भी आप इसका इधर देख सकते हो, हम बिना टाइम वेस्ट के इसे परचेस कर लेते हैं। सो चलो गाइस हमारा ये भी अनलॉक हो गया, लेकिन यार सच्ची बता रहा हूँ वो एनिमेशन नहीं आ रहा है ना जब अनलॉक करने पे, इसीलिए फील नहीं आ रहा कि हम कुछ अनलॉक कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। वेल गाइस हमारे दोनों वेपन्स अनलॉक हो गए, अभी मैं जल्दी से अपने सारे मैक्स को अनएक्यूब करता हूँ फिर हम अपने नए वेपन्स को एक्यूब करेंगे। एज यू कैन सी गाइज मैंने अपने सारे मैक्स को अनएक्यूब करके अपना ओरायन एक्यूब कर लिया है एंड इस पे हम दोनों वेपन्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना नेड लॉन्चर। लेट्स सी कहाँ गया अपना नेड लॉन्चर, किधर खो गया भाई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे कहाँ है नेड लॉन्चर, अच्छा ये रहा गाइज, मैं भी किसे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, ये रहा। सो मैंने यहाँ पे ओरायन पे नेड लॉन्चर एक्यूब कर लिया है, चलो चलते हैं इसके साथ गेम प्ले करते हैं फटाक से। एंड ये लो गाइस हमारा फर्स्ट बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है एंड मैं पहले ही बता दूँ मुझे इस नेट लॉन्चर को यूज़ करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो पहला नेट लॉन्चर का वर्जन है जिसे मैं अनलॉक कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे नेट लॉन्चर है ना। तो ये देखो ये अपना ओरायन है, वैसे ओरायन है तो बहुत मदद मिलेगी और देखो ये इस तरह से फायर होता है। अरे तब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, रुको यार अभी मैं नीचे फायर कर पा रहा था इसको, देखो ऐसे नीचे फायर हो रहा है और मैं ऊपर की तरफ करके मार रहा हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर उड़ जा रहा है। ये शायद से ग्रेनेड टाइप है गाइज, हो सकता है यार अब यूज़ करने पे ही पता चलेगा, ऐसे तो आइडिया नहीं आ रहा कुछ। तो पहले तो हमको हंटर्स मार्क लगाना है फिर उसके बाद दुश्मनों पे अटैक करना है। तो मैं इसमें मार्क लगाऊँ क्या, इस पे लगाते हैं और ये लो हंटर्स मार्क, अब इस पे अटैक करते हैं। ये अपने आप जाके हिट करेगा क्या, ओके गाइज ये अपने आप जाके हिट करता है, तो हमें शायद से बस एम करना है और फायर करना है ऐसा कुछ। तो कोई इस बार फायर करते, अरे मुझे मारने तो दो, ये बॉट बीच में आ रहे हैं यार। ओके देखो ये वहाँ तक गया लेकिन ये किसी पर्टिकुलर रेंज तक ही जा पाता है। यहाँ पे एक मैक है, इसे मारते हैं, रुक जाओ। और ये देखो जैवलिन टैग जैसा नहीं है, हमें एम करना पड़ता है जैसे हम बाकी वेपन्स में एम करते हैं ना सीधा, देखो ऐसे सीधा एम करके फायर करना पड़ता है, देख रहे हो लगा उसको, तो कुछ इस तरह से, रुको मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, अब फायर करे तो। एंड ये देखो गाइस डैमेज पड़ा अच्छा खासा और किल मिल गया। ओके गाइस मैं समझ गया कि इसको कैसे यूज़ करना है, हमें बस हंटर्स मार्क लगाना है और बंदे को सीधा ऐसे अटैक करना है। देखो जैसे मैंने इसके ऊपर एक फेंका, लग जा भाई, अरे मर जा यार क्या लेगा मरने का। ओके किल मिल गया, यहाँ पे एक और कम है चुकी वाला मैक, ये किल भी मिल गया, अरे भागो यहाँ से जल्दी से, हमारे अच्छे खासे किल्स निकल गए यहाँ से। और ये वेपन मज़ा आ रहा है यूज़ करने में लिटरली, यहाँ देखो एक कम एचपी वाला मैक है एंड ये किल भी हमने कंफर्म कर लिया है। तो ये गाइस एकदम ग्रेनेड्स जैसे है एंड ये देखो ऊपर से फेंकते हैं ना तो एकदम ऊपर से जाता है एंड क्लोज रेंज में ये ज़्यादा यूजफुल होता है। देखो मैंने एक और किल निकाल लिया, आप देख ही सकते हो मैं किस तरह से इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ सामने से एक मैक आया है मेरे पास, इसके पास भी नेट लॉन्चर है, थोड़ा बच के हंटर्स मार्क लगाओ और अब इसकी बैंड बजाते हैं। ये लो भाई दो तीन हिट में ही ख़त्म, ये डैमेज बहुत अच्छा डील कर रहा है वेपन, ऑब्वियसली करेगा ही क्योंकि ओरायन डैमेज को 150% बढ़ा देता है।
और यहाँ पे एक और मैक है, ये देखो इसको मारे गाइस, देख रहे हो दो हिट में बंदे मर जा रहे हैं। तो ये वेपन कैसा है आप देख ही सकते हो, खासकर ओरायन के ऊपर। इसीलिए गाइस मैं जब भी कोई नया वेपन अनलॉक करता हूँ ना, उसे ओरायन पे यूज करता हूँ। और सामने एक और मैक, मैंने उसके ऊपर नेड लॉन्चर्स की बारिश कर दी और लो बंदा गया। ये गाइस ये वेपन कूल है बहुत यार, सच्ची। देखो हमें बस हंटर्स मार्क लगाना है, फिर उसके ऊपर भाई नेड लॉन्चर्स की बारिश कर दो। वहाँ सामने एक मैक है, यहाँ एक मैक है, इसके ऊपर मैं हंटर्स मार्क लगाता हूँ। ओके ये देखो लगा, नहीं लगा यार, मिस हो गया पता नहीं कैसे, बट जो भी हो किल निकल गया। रैम्पेज मिल चुका है, अब गॉड लाइक करना है हमें। 9 किल हो गए बातों ही बातों में, मज़ा आ रहा है इस वेपन को, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब अपना 9 किल हो गया। इस एरेस को मारेगी, मेरी HP बहुत कम है, अब मारू क्या इसे, चलो इस पे अटैक करते हैं। मर जा जल्दी भाई, अरे थोड़ी सी HP में रह गया बंदा, सीरियसली यार मजाक कर रहे हो तुम। ओके मार दिए यार, कोई और मार दिया, हंटर्स मार्क इस बार ये किल मिलना चाहिए। एंड यस गाइस फाइनली यहाँ पे गॉड लाइक हो चुका है हमारा, पूरे 10 किल कर लिए हमने इस वाले वेपन से। और देखो अभी एक और मैक स्पॉन लिया, जल्दी से चलते उसके पास, वो किल भी हमें चाहिए। अरे किसी और ने मार दिया, मैच खत्म हो जाना चाहिए आई गेस। नहीं कोई बचा है, जरूर कोई बचा होगा, तभी कोई स्पॉन लेगा इधर। ओके आया गाइस, हंटर्स मार्क लगाते हैं इसके ऊपर, और अब नेड लॉन्चर की बारिश कर दो इसके ऊपर, और ये लो खत्म, स्मैकडाउन मिल चुका है हमें। एंड इसी के साथ हम लोग ये बैटल हो चुके विक्ट्री, और अपना ओरायन हो चुका है MVP विथ ओवर 11 किल्स। और अब बारी है गाइस हमारे नेक्स्ट वेपन की। तो हमने ये देख लिया कि नेड लॉन्चर कितना पावरफुल है, अब देखते हैं कि आखिर अपना जो वॉल्टिक RPG 14 है वो कितना ताकतवर है। कहाँ गया अपना वॉल्टिक RPG 14? ओके ढूंढने तो मुझे, ये रहा, इसको एक्यूब करते हैं। और चलो गाइज ओरायन पे मैंने वॉल्टिक RPG 14 एक्यूब कर लिया है, मैं स्किन चेंज कर लेता हूँ, मुझे एक नया स्किन मिला था। और ये देखो ये रहा अपना ओरायन, चलो चलते गाइज बैटल में और धूम मचाते हैं। Here we go guys, अपना सेकंड बैटल भी शुरू हो चुका है, और मैप देखो कौन सा है, पैटरसन स्टेशन मैप आया है। और एक चीज देख रहे हो गाइज, ये मैप पूरा ब्लू कलर सा है, और अपना स्किन भी ब्लू कलर का है, और जो अपना वॉल्टिक RPG 14 का ये अटैक है ना, ये भी ब्लू कलर का है, तो गजब ही इत्तेफाक हो गया इधर। और ये वेपन का साउंड ना मुझे थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है, पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे इसका साउंड उतना पसंद नहीं आया। सबसे स्मूथ साउंड तो मुझे रायल गन का लगता है। और अब किल्स निकालते हैं, तो ये देखो सामने एक मैक है, हंटर्स मार्क लगाना है उस पर, और ये देखो मैंने लगा दिया उस पर, अटैक करते हैं। ये देखो गाइस अपना वॉल्टिक RPG 14 तीन हिट में मैंने इसे मार दिया, और ये दूसरा मैक ये भी गया। गाइस यहाँ पे हमने दो दो किल्स निकाल लिए, वो भी सिर्फ एक सिंगल मैगजीन में, जलवा है हमारा। देखा गाइस ये ओरायन का कमाल है, मतलब वॉल्टिक RPG 14 ने भी अपना कमाल दिखाया, लेकिन मेन काम तो हंटर्स मार्क ने किया ना। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, देखो एक और मैक स्पॉन लिया है, चलो उस पर भी हंटर्स मार्क लगाते हैं थोड़ा सा, और ये देखो लग गया, चलो इस पर अटैक करते हैं। एंड ये लोग गाइस 3 किल में खत्म, मतलब 3 बुलेट्स में, सॉरी। अब गाइस बस हमें यहाँ पे वेट करना है, बंदों को आने देना है, उन पे हंटर्स मार्क लगाना है, और उनकी ऐसी की तैसी करनी है। ये देखो एक और मैक, हंटर्स मार्क लगाते हैं, और ये लोग लग गया सक्सेसफुली, अब मारते हैं इसे, एक हिट, दूसरा हिट, और ये तीसरा हिट। लो भाई 3 हिट काफ़ी है एक बंदे को मारने के लिए, और ये 20,000 का डैमेज दे देता है अराउंड। ओके यहाँ पे एक मैक है, इसे मारते हैं, अरे दूसरों ने मार दिया। गाइस एक और मैक यहाँ पे स्पॉन लिया है, चलो इस पे हंटर्स मार्क लगाओ, और 2 हिट, और ये लो थर्ड हिट। 3 हिट में गाइस मर ही जाता है बंदा, मैक्स टू मैक्स 3 हिट काफ़ी है। डोमिनेटिंग कम्प्लीट हो चुका है हमारा, 5 किल कर लिए हमने, अब जल्दी से गॉड लाइक करते हैं। यहाँ पे 2 मैक्स है, चलो इन पे हंटर्स मार्क लगाओ और इसे मारो। 2 हिट में ये गया, दूसरा बंदा भाग गया भाई वहाँ से, वरना उसे भी बताते हम। और कोई है भाई, मेरे को आसपास कोई दिख नहीं रहा है। ओके ये रहा, चलो इसे मारते हैं, लेकिन मेरा हंटर्स मार्क कूल डाउन नहीं हुआ है, अब मारेंगे। 1 हिट, और ये दूसरा, एंड ये थर्ड हिट गाइस, 20,000 का डैमेज पड़ता है दुश्मनों को, और ये अनस्टॉपेबल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक मैक रश कर दिया है मेरे पे, चलो इसे ऐसे ही मारते हैं। और ये देखो बिना हंटर्स मार्क के भी अच्छा खासा डैमेज दे देता है अपना RPG 14, मतलब वॉल्टिक RPG। और यहाँ पे एक और मैक, और ये तो 2 हिट में ही गया, लॉल। अपना रैम्पेज कंप्लीट हो चुका है गाइस, मैच बहुत ही अच्छा जा रहा है, ये वेपन बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे इसका साउंड उतना पसंद नहीं आया, बट वेपन तो पावरफुल है ये मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक लैंसर है, और ये लो मैंने इसे भी मार दिया। और यहाँ पे फाइनली गाइस अपना गॉड लाइक अचीव हो चुका है, पूरे 10 किल कर लिए हमने, लेकिन मैक्स तो अभी भी बचे हैं, मतलब और किल्स निकल सकते हैं। चलो इसे मारते हैं, तू रुक भाई कहाँ जाएगा तू बच के। 1 हिट, दूसरा हिट, तीसरा, अरे इसने शील्ड एक्यूब कर ली, लेकिन जैसे तैसे हमने इसे मार दिया, ह्यूमिलेशन मिल चुका है हमें। एंड अभी भी मैक स्पॉन लिए जा रहे हैं, मतलब और किल्स निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे इस वाले मैक को पकड़ते हैं गाइस, और ये 1 हिट, दूसरा और 2 हिट में गया ये बंदा। मेरी HP बहुत कम हो चुकी है, मैंने अपने HP में सारा ध्यान ही नहीं दिया, तो थोड़ा अब देख के खेलना पड़ेगा। वैसे एक ही मैक दिख रहा है सामने वाले टीम का मुझे, तो जो कि मैप में उस साइड है, तो क्या करें, उस साइड चले क्या,
चलो देखते हैं, अगर किल मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा हंटर्स मार्क लगाते हैं और अब अटैक करते हैं इस पर। दो बुलेट्स लग गए गाइस और ये लो, ये किल भी मिल गया हमें, स्मैकडाउन कंप्लीट। चलो अब रुको, मैच खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी भी कोई और स्पॉन लेगा। कहाँ है भाई, लास्ट मैच होगा वो शायद से। जल्दी से रश करते हैं, हम किसी बॉट को वो किल लेने नहीं दे सकते, हमें ही वो किल चाहिए। ओके ये रहा गाइस, चलो इस पे हंटर्स मार्क लगाओ और अब इसे मारते हैं हम आराम से। और ये लोग बड़े आराम से हमने इसे मार दिया, नेमेसिस भी मिल चुका है और हम लोग ये बैटल हो चुके हैं विक्ट्री। अपना ओरायन हो चुका है एमवीपी विथ ओवर 14 किल्स प्लस गॉड लाइक एंड नेमेसिस। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आज हमने दो नए वेपन्स अनलॉक किए, एक था अपना वॉल्टिक आरपीजी 14 और दूसरा था अपना नेड लॉन्चर 10। हमने दोनों से गेम प्ले भी किया और आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कौन सा गेम प्ले ज़्यादा पसंद आया और वॉल्टिक आरपीजी 14 एंड नेड लॉन्चर 10 में से आपका फेवरेट कौन सा है। एंड गाइज आजकल आप वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे तो यार अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक गेम में रखता हूँ 600 लाइक्स का, आई होप आप लाइक करके गेम कंप्लीट करा दोगे। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। एंड मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।